बिलासपुर के शनिचरी रपटा में सामने से आ रही हाईवा ने बाइक को ठोकर मार दी। इस हादसे में मौके पर ही डीएलएस कॉलेज में फर्स्ट ईयर की छात्रा की मौत हो गई, वहीं बाइक चला रहे युवक घायल हो गया। चिटफंड कंपनी संचय इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड का फरार डायरेक्टर को दुर्ग पुलिस के द्वारा भुवनेश्वर उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया गया है। डायरेक्टर अरविंद मिश्रा पिछले 5 वर्षों से फरार था। अधिक ब्याज का लालच देकर 13 निवेशकों से 25 लाख से अधिक राशि जमा कराकर धोखाधड़ी की है उसने। कांकेर जिले की पुलिस ने नशीली दवाइयों की तस्करी करने वाले 3 युवकों को पकड़ा है। ये युवक पुलिस के चेकिंग बैरिगेट्स को तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 10 स्ट्रिप में अल्प्राजोलम 100 टेबलेट एवं 5 स्ट्रिप में नाइट्राजेपाम की 50 टेबलेट बरामद की है। कथित रूप से महंगे दाम में बिकने वाले एक कांच के बोतल का लालच देकर 4 आरोपियों ने न सिर्फ युवकों का अपहरण किया बल्कि लूटपाट और फर्जी तरीके से पीड़ित के चेक के सहारे 3 लाख से अधिक की रकम आहरित कर ली। मामले में बलरामपुर जिला पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर जिले में भूमि स्वामी को बंधक बनाकर 7 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री बलपूर्वक कराने के आरोप में पुलिस ने पटवारी सहित 9 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। 2 आरोपी पटवारी पवन सिंह व शिक्षक कुलदेव गुप्ता को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बुधवार को नंदनी पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने बिना रॉयल्टी पर्ची के रेत परिवहन करने वाले 6 ट्रक को जब्त किया है। इसके साथ टीम ने अहिवारा रेलवे पटरी के पास शशिकांत सिंह के रेत भंडारण, बाफना पेट्रोल पंप के पीछे रखे स्टॉक और गुरुद्वारा के सामने रखे रविशंकर सिंह के रेत स्टॉक को जब्त किया है। भिलाई सुपेला पुलिस ने दोस्त की ही पत्नी से बलात्कार करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिछले 3 साल से फरार चल रहा था। सुपेला पुलिस ने एक टीम गठित कर बिहार भेजी और वहां से आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। भिलाई की सुपेला थाना पुलिस ने 17 वर्षीय किशोरी से अनाचार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने गत 31 जनवरी की रात पीड़िता के घर घुसकर उसके साथ दुष्कर्म कर मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। साले के साथ मिलकर किशोरी का अपहरण करने और साले के साथ नाबालिग का विवाह कराने वाले जीजा और उसके साले को कांकेर जिले की पखाजूर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ नाबालिग के अपहरण और छेड़छाड़ का अपराध पंजीबद्ध किया है। बिलासपुर जिले की चकरभाटा पुलिस ने ट्रक चोरी मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद ट्रक की कीमत लाखों रुपए है। आरोपियों ने ट्रक को ट्रांसपोर्ट नगर पर सदा से पार किया था। आरोपी चोरी के ट्रक को मध्य प्रदेश में खपाने का प्रयास कर रहे थे। चोरी मामले में पकड़े गए 4 में से 2 आरोपी मध्य प्रदेश के बताए गए हैं। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सर्चिंग के दौरान मिलिशिया प्लाटून कमांडर सहित 2 नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। दोनों नक्सली मुरली ताती की हत्या, पुलिस पार्टी पर हमला सहित सड़क निर्माण कार्य चिरकंटी में लगे वाहनों में आगजनी में शामिल थे। बलौदाबाजार पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की 26 मोटरसाइकिलों को बरामद किया है। दोनों आरोपी रिश्ते में जीजा साले हैं। जीजा साले की जोड़ी ने मिलकर सिलसिलेवार 26 मोटरसाइकिल की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। बिलासपुर जिले की सरकंडा थाना क्षेत्र में जबड़ापारा का रहने वाला राजेंद्र केमर दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने रपटा चाटेडी आया था। युवक नदी किनारे लघु शंका करने गया, उसी समय कुछ युवक राजेंद्र से विवाद करने लगे। वाद विवाद में ही एक युवक ने राजेंद्र पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी।
जशपुर से गुम हुई किशोरी को जशपुर पुलिस की टीम ने उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से बरामद किया है। किशोरी को शादी का झांसा देकर ईंट भट्टे में रखकर दुष्कर्म करने के आरोप में एक ग्रामीण को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रायगढ़ जिले की खरसिया पुलिस ने धोखाधड़ी की योजना बनाने वाले बैंक से निकाले गए कर्मचारी और अपराध में उसके सहयोग करने वाले को गिरफ्तार कर धोखाधड़ी के मामले में जेल भेज दिया है। आरोपियों ने HDFC बैंक के ग्राहक से धोखाधड़ी कर बैंक में एड मोबाइल का सिम नंबर प्राप्त कर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है। पिंडरा जिले के पसान थाना क्षेत्र के कुम्हारी सानी गांव के पास बारात से लौट रही पिकअप गाड़ी भी पलट गई। ये गाड़ी शादी का सामान लोडकर वापस लौट रही थी जो कुम्हारी सानी गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे दो लोग घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश से आ रही यात्री बस छत्तीसगढ़ के गोयला पेंड्रा मरवाही में अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई गई है। हादसे में बस के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने मृत कांस्टेबल की बेवा को आदेश के बाद भी सेवानिवृत्त देयक का लाभ नहीं देने को गंभीरता से लेते हुए दुर्ग SP को अवमानना नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता अनिता ठाकुर के पति कमल राम ठाकुर पुलिस विभाग में आरक्षक के पद में कार्यरत थे। तमिलनाडु से छत्तीसगढ़ के 11 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। इनमें 2 बालक समेत 9 बालिकाएं हैं। ये सभी 11 बच्चे कांकेर जिले के अलग अलग गांव के रहने वाले बताए गए हैं। सभी मजदूरी करने के लिए तमिलनाडु गए हुए थे। छावनी थाना क्षेत्र में मंगलवार की देर शाम डेयरी संचालक राकेश यादव की हत्या के मामले में पुलिस 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस मामले में आरोपियों की संख्या बढ़कर अब 6 हो गई है, जिसमें 3 फरार बताए गए हैं।